हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की ये वीडियो, ये मैं बहुत ही खूबसूरत सी आपको टोपायरी बना के दिखाने वाली हूँ। और आइए लास्ट तक बने रहे मेरे चैनल पर। तो जो हम टोपायरी बनाएंगे स्टैंड टोपायरी, तो ये वाला जो तार आता है, ये वाला यूज करने वाली हूँ। और ये टोपायरी में ये जो मोस रोज और ये पर्सनल होते हैं, मैं इसी की टोपायरी बनाने वाली हूँ। और अभी देखते जाइए, मैं इनको सभी को इनकी पत्तियाँ निकाल दूँगी नीचे नीचे, ये पर्सनल और मोसरो जो है। और मैंने ये स्टैंड तैयार कर दिया है, ये देखो, ये गोल गोल, ये जो वायर होती तो उसी से तैयार किया है। ये राउंड गोल बनाया और बाकी ये 12-12 इंच के ये मैंने ये काटे हैं तार 5 ये वाले। तो अब मैं इसमें स्टैंड करूँगी इसको, और अभी मैं इसको मोसरो लगाने वाली हूँ। जो सीधा चाहते हैं, जैसे सीधा लगा के स्टैंड लगाएंगे हम, और इसको मोसरेज को सीधा बीच में लगाएंगे और फिर इसके ऊपर आ जाएगी। तो अभी देखते जाइए कैसे बनाना। ये देखिए, ये मैंने स्टैंड इसमें ये फिट कर दिया है। तो इसमें मिट्टी में बड़े आराम से लगाइए, बहुत इजी ढंग से लग जाता है। तो ये देखिए, ये पांचों ये वायर थी, तो ये मिट्टी में लगा दिए मैंने इधर इधर सब, और ये गोल इसका राउंड इस तरह आ गया है। अब मैं इसको बीचों बीच इसमें मोसरेज लगा दूँगी और फिर ये इसके ऊपर निकाल के आपको दिखाऊँगी कैसा लुक लगेगा। अब देखिए, पहले मैंने ये कड़ा लगाया और अब मैं इसको ये मोस रोज इसके चारों तरफ लगाती चली जाऊंगी। जैसे एक ये लगाई, फिर यहाँ 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 चारों तरफ इसके लगाऊंगी, तो इससे गोल शेप आ जाएगी, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा इसके अंदर। और फिर मैं इसको अंदर से लूँगी, तो अभी फिर दिखा दी। देखिए, कुछ मैंने आधा लगा दिया है इधर किनारे किनारे, ये जो चूड़ी रखी है इसके किनारे किनारे मैंने लगा दिया है, जिससे इसका राउंड शेप अच्छी आए। तो ये ऊपर अभी आधा भी नहीं लगा, कम ही लगाया आधे से। और मैं इसके बीच में, चूड़ी के बीच में, और इनको छोटे छोटे ये प्लांट लगाऊंगी इसी के मोस रोज के, ये फूल वाले हैं, इसमें छोटे छोटे जो है बहुत खूबसूरत लगेंगे। यहाँ पे छोटे और यहाँ पे बड़े, ऊपर सीधे, तो ये बहुत ही सुंदर इसका लुक आने वाला है। तो ये मैंने ऊपर से जो ये होती है यहाँ से तोड़ी है छोटे इतनी इतनी, तो मैं इसको यहाँ लगा दूँगी बीचों बीच जितने भी हैं, और सभी को ये छोटे छोटे में यहाँ पे बीचों बीच लगा दूँगी सबको, तो ये बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है। ये देखिए, कुछ लुक ऐसा आने लगा नीचे से, तो अभी और लगाने हैं मुझे। और अब देखिए, नीचे से मैंने ये कुछ छोटे छोटे फूल लगाए ऊपर के, और ये चारों तरफ से इसकी बाउंड्री सी कर दी है। ये जो मैंने चूड़ी रखी है, तो चूड़ी के बीच में ये मैंने छोटे छोटे ऊपर की इस तरह की इतनी इतनी स्टेम लगाई है, जिससे नीचे से भी खूबसूरती बनी रहे और ये लंबी लंबी स्टेम अलग ना दिखाई दे। तो ये छोटे छोटे नीचे खिलते रहेंगे और ऊपर भी ये देखो इस तरह से कुछ लुक आएगा इसमें, ये देखो। तो ये यहाँ पे ये खाली स्टेम रहेंगे और ये यहाँ पे ये खूबसूरत से ये चारों तरफ से हमें फूल दिखाई देंगे। तो मैं आपको ये बताती हूँ, ये देखो, ये स्टैंड में लगा के भी कितना खूबसूरत इसका लुक चेंज हो गया। तो हम इस तरह भी इसमें लगा सकते हैं, देखो, इस तरह भी मोस रोज, ये पर्सनल जो लंबी लंबी स्टेम हो जाती है हमारी, तो ये देखो कितनी खूबसूरत बन गई है इसमें। तो ये नीचे से भी इतना खूबसूरत लुक देखो, इसको कितना प्यारा सा है। तो ये नीचे से भी खाली नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी छोटी छोटी स्टेम और फूल रख दिए मैंने, तो ये नीचे बढ़ते रहेंगे। और जब अगर हमें हमारी स्टेम, जैसे ये आ जाएगी स्टेम में, ये जैसे बंच आ जाएंगे, तो अगर हमें नीचे की दिखाने हैं तो हम इसको ये कट कर दें। तो ये देखो इस तरह से ये कट करते चले जाए इनको, ये ना बढ़ने दें इसको बिल्कुल। अगर जैसे ही निकलते हैं स्टेम में, तो अगर ये वाला लुक दिखना है जो इससे में दिख रहा है, इसे इस वाले लुक को दिखाना है, तो इसकी स्टेम जितने भी निकले उसको बंच को सभी को काट दीजिए, जो भी पत्ती वगैरह निकले, और इस तरह से खाली सा ये लुक इस तरह हमारे हर से में ये दिखाई देगा, और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये देखिए, मैंने जितने भी ये पर्सनल के लगाए हैं, तो सबका लुक अपनी इस साइड में दिया है, इधर तो अंदर नहीं दिया, तो सबका बाहर को दिया है इस तरह। सब देखो, ये बाहर ही दिखाई दे रहे हैं सारे ये। तो ये लुक हमें इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सभी फूलों का मैंने इस टाइम का ये इधर को ही दिया है, ये देखो चारों तरफ से। तो इसमें ये एक गुलदस्ता सा ये बहुत ही खूबसूरत बन गया। तो ये देखिए, तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को नहीं पसंद आता नीचे गिरे हुए, यहाँ पे नहीं पसंद आते, तो स्टैंड में इस तरह से सीधे सीधे पसंद आते, तो ये स्टैंड रहेंगे और इस तरह से हमारी ये इसमें ये चलते रहेंगे। तो ये देखिए, एक अलग सा नया, कुछ भी नया लुक देने के लिए पहले सोचना पड़ता है, और फिर जो है उसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो पहले लगती है, क्योंकि ये मेरा देखा हुआ नहीं है किसी का, ये मैंने खुद से क्रिएट किया है।
खुद से बनाया ये स्टैंड भी, तो मैंने किसी का भी नहीं देखा, तो ये मैंने, तो आप देख सकते हैं मैंने ये वाला लुक किसी का भी नहीं देखा, ये मैंने खुद से क्रिएट किया है। तो ये देखो इस तरह का, तो इतना खुशी होती है जब अपने आप क्रिएट करते हैं कोई भी चीज़, तो बहुत खुशी होती है। तो नए नए आइडियाज़ जो है आते रहते दिमाग में, और अगर हम इसी तरह हम इनको लगाते रहें अपने आइडियाज़ जो है इसमें, तो कितना खूबसूरत जो है ये बन जाता है, लुक आ जाता है, देखो कितना प्यारा सा। तो मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये मैं ऊपर से दिखाती हूँ आपको। अब ये दूर से भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, नीचे से ऊपर तक ये देखो। नए नए आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल भी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे की वीडियो देखने के लिए। तो मैं आगे आपको काफ़ी नए नए आइडियाज़ अपने जो मेरे अपने हैं वो मैं आपको दिखाने वाली। चाहे तो थोड़ा सा इसे ये डेकोरेट भी कर सकते हैं, तो आपके पास कोई स्टोन वगैरह हो या कुछ और हो, तो मैं इसकी सफ़ेद सफ़ेद ये छोटे छोटे स्टोन है इसके छोटे छोटे इस तरह से हल्का सा इसमें ये बिखेर दूँ इस तरह से। वैसे तो मिट्टी में भी ये अच्छे लग रहे हैं ऐसे, अगर नहीं भी डालते तभी भी चलेगा। तो मेरे पास रखें तो मैं इसको डाल देती हूँ, और बीच 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 में थोड़े बड़े स्टोन भी लगा दूँगी। तो इससे थोड़ा सा लुक इसका चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब लग रहा है जैसे वाइट वाइट इसमें आइस पड़ी हुई हो, तो बीच में फ्लावर और स्टेम सीधी लगी हुई, और ये बीच में आइस की तरह लग रहा है जैसे छोटी छोटी आइस पड़ी हुई हो इसमें देखो। तो इसका थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, और चाहे तो हम किसी और से भी कुछ हमारे पास बड़े स्टोन है तो उससे भी हम कर सकते हैं इसको डेकोरेट। बस ये देखो थोड़ा सा इसमें चेंज आया है, तो ये अब थोड़ा और भी अच्छा लग रहा है। अब इसी थोड़ा सा लुक इसका चेंज हुआ है, देखो जैसे आइस पड़ी है रंग बिरंगी सी, और वाइट वाइट और ब्लू इसमें और येलो, तो ये थोड़ा सा थोड़ा अच्छा सा और लगने लगा। देखो थोड़ा लुक चेंज हो गया इसका, और कुछ नहीं। तो अगर हमारे पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मिट्टी में भी ये अच्छे लगते हैं, जैसे ये हमें एक्स्ट्रा ये स्टेम दिख रही है देखो इधर की, तो हम इसको कट कर सकते हैं, एक अच्छी सी टोप आयरी हमारी बन जाएगी ये देखो। इसमें नई और ब्रांच भी निकल के आएगी ऊपर से, तो काफ़ी सुंदर लगेगी फिर और भी। तो इसकी एक अच्छी सी जो है शेप आ जाएगी, ये जैसे एक्स्ट्रा दिख रही है ना, तो इसको हम निकाल दें तो ये नीचे का लुक भी दिखाई देगा इसमें, और ऊपर से ये एक गुलदस्ता टाइप का बन के आ जाएगा। ये देखिए अब इसमें इसको भी मैं काट लूँगी यहाँ से, तो बाद में भी अगर हमें ये जैसे बढ़ती है हमारी दिखाई देती, बस हमें फूल फूल दिखने हैं इधर से, ये देखो इस तरह से फिर दिखाई देगा हमें, और जो भी हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे हम उसको निकाल दें। जैसे ये हमें इसको भी अगर चाहे तो निकाल दो, नहीं तो अभी फूल आएंगे उसके बाद निकाल दो, तो ये अच्छा लगेगा। ये देखो इस तरह से, तो ये ऊपर से कुछ इस तरह से लुक आ जाएगा फिर। तो और यहाँ से भी कोई एक्स्ट्रा हो तो पत्ती वगैरह आए तो इसको निकाल दो, ताकि ये नीचे का लुक दिखाई दे हमें। ये देखो, तो ये देखो अब ये साफ सफाई सी लग रही है इसमें ऊपर से। तो इस तरह हम करते रहें, अगर ये बाई चांस हमें नहीं चाहिए ऊपर और ऊपर ऊपर चाहिए इसको जैसे, तो ये इस तरह का फिर लुक दिखेगा। तो ये एक अच्छी सी खूबसूरत सी टोपायरी दिखाई देगी ये फिर। ये प्लीज़ अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।